जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज़्यादा पैसे वाला होना ये तो चाहता है। पूरी दुनिया में हो रहा है। नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीके और एक तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपया महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपये के हैं, ये कौन सी साइंस है आप मुझे बताइए कि वो उसको पूरा करती होगी। और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं, और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं, शॉर्टकट्स मारते हैं। और एक बात याद रखिए, देखिए, अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया ना, हराम, बेईमानी, चोरी, चकारी, इन सब चीज़ों से, लूट के, ये सब चीज़ों से खिलाया, तो वो आपके पास वो सारा वैसे ही निकल जाएगा। आप देखिए, कभी जमा करके नहीं रख सकता। अगर उसके पास रहेगा, जमा भी होता है, तो एक डिज़ास्टर होगा और सब ख़त्म हो जाएगा। तो हमको ठीक होना चाहिए, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, हमको सही होना चाहिए। हमको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि हम दूसरे के हुकूक मारें, छीन लें लोगों को। 1200 रुपये, 800 रुपये के एक मोबाइल के लिए एक जान ले लेते हैं हम। कभी वो तन्हाई में बैठ के वो सोचते नहीं होंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी, जब वो पैदा होता है तो वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर वो इंसानी फॉर्म में आता है, फिर वो दुनिया में आता है बेसहारा, बेबस। माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, फिर वो गर्म सर्द का मुकाबला करता है और बड़ा होता है, चोटें लगती हैं, धूप है, बारिश है, और फिर एक आदमी उसको एक 500 रुपये के मोबाइल के लिए इतनी तकोदौ से पलने वाले बच्चे को गोली मार के चला जाता है। अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। आप मुझे बताइए, ये क्या जुनून है? क्यों ये क्यों क्यों भूल गए? देखिए ना, क्यों भूल गए हैं कि एक दिन अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि जाओगे कहाँ तुम, आओगे तो तुम मेरे पास ना। और फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमको सब बता दूंगा कि तुम क्या क्या करते थे। और कुरान में है किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, आई कोट कुरान, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, और अगर किसी एक बेगुनाह की ज़िंदगी बचाई, गोया तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आर वी ट्रू मुस्लिम्स? हम क्या हैं? हम हैं क्या, पहले तो ये बता। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ। आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं, पान खाएंगे, बाहर मुंह निकालेंगे, पच करके थूक देंगे, कुछ बोलो तो कहते हैं कौन सा तुमने थूक दिया। ये क्या कौम है ये? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। बस 11 फुट सतह समंदर से नीचे है कराची। एक बाढ़ आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई रहता था। और पढ़े कुरान, ऐसी सारे ऐसी बस्तियां अल्लाह ने तबाह कर दी। आसमान से अजाब भेजता है या जमीन से अजाब भेजता है? क्या करना चाहिए? कुछ गाइडेंस कहाँ से? अपने आप को ठीक करे, आदमी अपने आप को ठीक कर ले। हम अपने आप को ठीक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक ट्रेनिंग, आप अपने बेसिक जो सीखने वाली जो जगह है, the only place where you start learning is your own self and आपका अपना घर जहाँ से आप सीखते हैं। फिर आपके टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उस्ताद हैं, आपके दोस्त हैं, फिर वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं। हमारे अरबाब इख्तियार लोगों का क्या वो है? आप आजकल जो सियासत में जो लोग हैं, ये सारे लोगों को देख लीजिए, टेलीविजन पे बैठ के वो जो गुफ्तगु करते हैं, जो जो एक दूसरे के लिए ज़बान इस्तेमाल हो रही है, ये इसमें क्या डिसेंसी है? क्या क्या सीखेंगे इनसे? आप क्या सीख सकते हैं इनसे? मैंने तो खुदा का शुक्र है, मैंने इनसे कुछ नहीं सीखा। इन लोगों से आपने कहाँ से सीखा जिंदगी? मैंने अपने बड़ों से सीखा जी। और अच्छे बड़ों से सीखा। मैं उठा बैठा बड़े बड़े अच्छे और पढ़े लिखे लोगों में जी, जो बताते थे कि कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए, जो ये बताते थे कि अपने मफाद से ज़्यादा अपने मुल्क के मफाद को जहन में रखना चाहिए, वो ये मुझे बताते थे कि छोटों से अच्छा सलूक करो, वो ये बताते थे कि अपनी नज़रों में शर्म हया रखो, वो ये बताते थे कि फजूल खर्ची ना करो, वो ये बताते थे कि पढ़ो उसको इस तरह पढ़ते हैं। हमें तो बहुत कुछ, और अल्लाह का शुक्र है हम। और दूसरी बात ये कि हमारे ब्लड में, मेरे ब्लड में तो ये है सीखने वाला कि मुझे एक नया बच्चा भी कल कोई चीज़ सिखाएगा, और अगर वो सही बात है, अच्छी बात कर रहा है, तो मैं उसकी बात को सुनूंगा।